फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल 90s की डमन। कैसे हैं आप सब? तो आज मैं आ चुका हूं। क्रोमा आपने देख लिया, क्रोमा का ओ नहीं जल रहा है, ई नहीं जल रहा है, पता नहीं क्यों भैया लाइट नहीं जल रहा ऊपर में। वैले पार्किंग ही था। ओहो, मेरे को पता ही नहीं है वैले पार्किंग है इधर पे। अरे चलो अंदर, चलो पुश करो। तो व्लॉग का टाइटल, थंबनेल, सारा कुछ देख के आपको पता चल गया है हम लोग किस लिए आए हैं। जिंदगी का एक बहुत बड़ा डिसीजन मैंने लिया है और फर्स्ट टाइम कुछ ऐसा होने वाला है, तो प्लीज व्लॉग में बने रहो। थोड़ा बैठ के आपसे अपना फीलिंग शेयर किया जाए। मतलब ये मेरा लाइफ का फर्स्ट टाइम है, मैं कोई एप्पल का मैकबुक, मतलब लैपटॉप तो नहीं बोलते हैं अभी लोग इसे, मैकबुक बोलते हैं, तो फर्स्ट टाइम मैं लैपटॉप लेने आया हूँ एंड वो भी मैकबुक। तो देखो, एक छोटा सा अपग्रेड करना मेरे को ज़रूरी लग रहा था बहुत टाइम से, क्योंकि मैं अभी तक जो भी एडिटिंग करता था आईफोन पे करता था, कंप्यूटर पे भी नहीं करता था। और बेसिकली आज मेरा कंप्यूटर ख़राब हो गया, जो कि उसका भी व्लॉग आएगा लेकिन कुछ टाइम बाद आएगा, क्योंकि मैं उसे अभी रिपेयर नहीं करूंगा, कुछ टाइम बाद करूंगा। एक छोटा सा इशू था, वो इशू भी आपको व्लॉग में देखने मिल जाएगा, कुछ टाइम बाद वो आएगा व्लॉग, तो उसे भी देखना। एंड अगर आ जाएगा तो इस पर भी लिंक रहेगा, तो आप देख लेना, बाद में थोड़ा आगे पीछे होगा। तो देखो, खुशी का बल तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मतलब मैं सोचा नहीं था कि जनरली मैं आऊँगा एंड एप्पल का मैकबुक लेने वाला हूँ, मतलब वो भी M2 चिप वाला, जो सबसे लेटेस्ट है, 2023 का मॉडल है। तो मैं जनरली जब भी देखता था, मेरे को लगता था, मतलब मैं कैसा इंसान था, मैं अगर गेम खेलता हूँ तो मैं PS प्रेफर करता था, मतलब सोनी का PlayStation। अगर मैं फ़ोन चलाता था, मेरे को iPhone सही लगता था। एंड अगर मेरे को ब्राउजिंग करना है एज इन नॉर्मल स्टफ़, तो मेरे को PC अच्छा लगता था। लेकिन ये फर्स्ट टाइम है कि मैं कोई लैपटॉप पे स्विच कर रहा हूँ एंड वो भी एप्पल का। मेरे को अच्छा नहीं लगता था एप्पल का लैपटॉप बेसिकली, लेकिन चलो ठीक है, बहुत एक छोटा सा रीज़न था, व्लॉग करता हूँ उसके लिए इजी रहेगा एंड एप्पल इकोसिस्टम में रहूँगा, तो इसीलिए मैंने ये डिसीजन लिया था, ताकि अगर मेरे को पॉसिबल रहेगा और थोड़ा बहुत डिस्काउंट यूज़ करके, एंड हमने स्टूडेंट डिस्काउंट भी यूज़ किया है, तो आपके पास भी अगर ये ऑप्शन रहता है कि आपका कोई फ्रेंड या कोई घर पे हो जो स्टूडेंट है, तो आप स्टूडेंट डिस्काउंट भी यूज़ कर सकते हो। उससे आपको 13% का डिस्काउंट मिलता है, जो अमाउंट रहता है, जैसे 1 लाख रुपए का प्राइस रहा तो आपको 13,000 का डिस्काउंट मिलेगा। तो कितना पड़ रहा है अपना ये वाला लैपटॉप ले रहे हैं क्या हम लोग? M2 ये वाला लेने वाले हैं, देख लो कैसा है। तो अपना जो प्राइस आने वाला है, देख रहे हो कितना प्राइस है, इसमें कुछ डिस्काउंट मिलने वाला है। दादा थोड़ा सा कैमरा कॉन्शियस हो रहे हैं, और सबसे बड़ा स्टोरी है कि वेंकी भाई भी दादा से लिया था। कब लिया था? 2015। तो रिलेशनशिप 2015 चल रहा है, तो सोच लो क्या हम लोग कहाँ से कहाँ आए। और ये वाला जो क्रोमा है पार्टनरशिप में, मैंने आपको बोलना भूल गया, पूरा कोना खोपचा में बात हो रहा है सेटिंग का। कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी दादा बोल दिए, अनऑफिशियल बात हो रहा है यहाँ पे, पूरा हाई क्वालिटी चेकिंग हो रहा है यहाँ पे, जो प्राइस है इससे भी कुछ नेगोशिएट किया जा रहा है, तो फाइनल प्राइस आपको रिवील करेंगे हम। और एप्पल लेने का खुशी में आज मैं पूरा ब्लैक पहन के आया हूँ, तो क्या पता आप देख पा रहे हो मेरे को कैसा लग रहा है, लाइटिंग में कितना जस्टिस हो रहा है। मैंने पूरा ब्लैक अपैरल पहन के रखा है, तो मैकबुक तो ब्लैक नहीं मिलता है, लेकिन एक मिडनाइट कलर आता है तो मेरा चॉइस है। बाकी आप ये वीडियो में तो मैं ले ही लूंगा, तो आपको आगे पता चलेगा कौन सा कलर ले रहा हूँ, लेकिन ठीक है, आप कमेंट में बता सकते हो कि मैं कौन सा कलर लेना चाहता हूँ, मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दे ही दिया है। तो अभी बेसिकली थोड़ा टेस्टिंग वाला प्रोसेस चल रहा है, इसका कैमरा फ्रंट कैमरा का टेस्टिंग करें, मतलब बेसिकली थोड़ा सारा सही लग रहा है, कभी होगा तो ऐसे भी व्लॉग करेंगे, पता नहीं कैसा लग रहा हूं मैं, लेकिन कोशिश तो करेंगे थोड़ा सा आपको ओवरव्यू देने का। इसमें बेसिकली जो अपना मैकबुक एयर है, अब उसका आपको प्राइसिंग एंड ऑल के बारे में बताते हैं। उसका जो प्राइसिंग आता है 256 GB एंड 8 GB वाला का आता है 1,14,900। एंड अगर आप 8 GB एंड 512 विथ 10 कोर GPU लेते हो,
तो आपका आता है 1,44,900। इसमें आपका 512 मतलब डबल स्टोरेज होगा एंड थोड़ा सा 2 कोर जीपीयू एक्स्ट्रा पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से अगर मेरा जैसा पर्पस है व्लॉगिंग के लिए ले रहा हूँ तो ऊपर वाला भी चलेगा, 1,14,900 वाला भी काम करेगा। एंड इसमें कलर आता है, एक आता है मिडनाइट जो कलर आता है, एंड एक आता है स्टारलाइट कलर, ये वैसे प्रो है लेकिन स्टारलाइट कलर सेम आता है, एंड एक आता है इसका स्पेस ग्रे कलर, अलग टाइप का डायनेमिक वॉलपेपर है। एंड इस वॉलपेपर नहीं चल रहा है तो जैसे देखो प्रीमियम प्रोडक्ट है। एंड सबसे मेजर जो चीज़ है यहाँ पे आपको मिल जाता है टच आईडी, ये बहुत बेटर लगा मेरे को। एंड थोड़ा बैकलिट वाला कीबोर्ड भी है, रात रात को भी यूज़ कर सकता हूँ मैं। अब मेरे को एक चीज़ अच्छा पता चला, वो है एपर केयर प्लस, एक्सीडेंट हैपन कवर्स देम। तो ये जो चीज़ है ना मेरे को बहुत सही लॉजिक पता चला, मतलब एग्जैक्टली हमें 3 साल का कवरेज मिलने वाला है तो उसमें लग जाने वाला है 20,000 रुपीज़। अगर मैं 2 साल का कवरेज कराता हूँ उसमें लगेगा 14,000 रुपीज़। उसमें फ़ायदा क्या है कि आप जितनी बारी तोड़ के ले जाओगे फ़ोन, या कभी बाई चांस आपका कुछ होता है टूटने से, मिनिमल अमाउंट पे चेंज हो जाएगा, इसीलिए लगेगा समझ लो 50-60 हज़ार रुपया, मैक्सिमम 9-10 हज़ार रुपया लगेगा चेंज। अच्छा, ये भी बहुत सही चीज़ लगा, तो मैं इसके लिए थोड़ा डिसाइड कर रहा हूँ कि एप्पल केयर प्लस कौन सा लिया जाए, 14,000 वाला या 20,000 वाला, तो थोड़ा सा मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ। का क्या मस्त पार्टी स्पीकर्स मिल रहा है इसमें, पहले से टर्न टेबल वाला फीलिंग है, मतलब जब भी चाहे तो डीजे स्क्रैच वाला मजा ले सकते हो। इसका प्राइसिंग आता है 35,490, मस्त लग रहा है। जो डिस्काउंट है 14,000 का अपने को डिस्काउंट मिल गया है क्योंकि हमने यूज किया था क्या, स्टूडेंट डिस्काउंट, एंड ये हमारा फाइनल प्राइस है विद एप्पल केयर प्लस। दादा चेक कर रहे हैं सारा कुछ मार के, अपना फाइनल पेमेंट हो चुका है, कार्ड से पेपर निकल चुका है, मैसेज आ चुका है, अब बारी है बस इसको अनबॉक्स करने का। बॉक्स भी आ चुका है, दादा लोग सबको ही है, मिठाई लड्डू बंटवाना बाकी है अपने को, मिठाई चलवाया जाए क्या? I'm in the whip with a thotty, looking like Skybri, she got a body, ayy. And she been calling me daddy lately, want me to put her in Cartier's. And the bitch deserve it, put in work for the money she earn it. Give me top every night lip service, then I gotta block these hoes, she worth it. I'm out in Abu Dhabi, with a bad bitch, look like Skybri, ooh. Right beside me, with a phantom off that molly, yeah, yeah. Abu Dhabi, with a bad bitch, look like Skybri, ooh. Right expert hai yahan pe, wo hume guide karne wale hai. क्योंकि अभी इतना मेरे को यूज नहीं करने आता है ये डिवाइस, तो जो सच है भाई वही बता रहा हूँ, पहली बार मैकबुक यूज करने वाला हूँ, मैकबुक एयर बेसिकली। तो गाइस देख लो सभी कोई खड़ा है, भाई लोग उसी का बल है, शेयर करना पड़ता है। तो अभी हम लोग बहुत कुछ शेयर करने वाले हैं, और फर्स्ट क्रिएट अ कंप्यूटर अकाउंट, तो ये कुछ इस तरह का इंटरफेस है। तो यहाँ पे अकाउंट नेम मांग रहा है, तो मैं ऑब्वियसली 90s किड AMAN 90s किड अमन रखने वाला हूँ। सो जिंदगी का जो चीज आप मिस करते थे, मतलब जो लोग भी आईफोन स्टार्टिंग से यूज कर रहे हैं मानेगा क्या ब्रो, जो हम लोग फिंगरप्रिंट मिस करते थे। अब फिंगरप्रिंट का चला ही गया था, लेकिन इस चीज में फिंगरप्रिंट है, तो कौन सा फिंगरप्रिंट करे, ये या ये? तो हम लोग का ऑप्शन दे रहा है ये वाला फिंगरप्रिंट, फर्स्ट फिंगर। तो फर्स्ट फिंगर देख लो, ये जो फीलिंग है ना कुछ अलग ही आता है, इसमें वाइब्रेट नहीं करता है आईफोन की तरह। मैं ये वाला आईपैड यूज करता था, सोच के आया था कि इसे बेच के भी कुछ पैसा लूंगा, तो ये बिक नहीं सकता, फाइनली पता चल चुका है, तो इसे रखा जाए अंदर। एंड ये एप्पल को खाया नहीं गया था, तो इसे भी हम खाएंगे, लेकिन मैं नहीं खाने वाला हूँ, वेंकी भाई खाने वाला है, क्योंकि वेंकी भाई के लिए डिस्काउंट मिला है। तो एप्पल के साथ अपना एप्पल का प्रोडक्ट का जर्नी शुरू करते हैं। उठ गया, मैंने कल रात को व्लॉग एंड नहीं किया था क्योंकि ऑब्वियसली घर थोड़ा लेट हम आए, थोड़ा मस्ती वगैरह किए, एंड सुबह ही सुबह उठते साथ मेरे को एक अच्छा न्यूज़ मिला है कि मेरा 12,000
अगर आपको दिख रहा है सही से 12,000 सब्सक्राइबर पूरा हो चुका है, तो थैंक यू सपोर्ट करने के लिए। तो मुझे लगा थोड़ा सा आपको शेयर करना बनता है, और चलो थोड़ा मम्मी को भी दिखाते हैं। मैंने रात को एग्जैक्टली दिखाया नहीं है, लैपटॉप मैंने लिया है, तो चलो दिखाते हैं। चलो फिर से स्टार्ट करते हैं अनबॉक्सिंग का प्रोसेस, एंड मम्मी को दिखाते हैं थोड़ा सा, मम्मी का रिएक्शन देखते हैं कैसा क्या आता है। तो चलो लेके दिखाते हैं थोड़ा सा, बॉक्स थोड़ा भारी फील हो रहा है वैसे। तो अब लैपटॉप ये हो चुका है। तो इसका एक चीज मेरे को बहुत सुंदर लगा कि आप एक हाथ से ही ओपन कर सकते हो। जनरली लैपटॉप को हम जितना जानते हैं दो हाथ से ओपन करना पड़ता है, एंड इसका मैंने दिखाया नहीं था आपको अच्छे से पहले। तो ये जो वायर है ये बहुत ही अच्छा जो ब्रेडेड वायर्स आता है वैसा टाइप का दिया हुआ है, एंड इसके साथ अपना आता है जो बुक्स। अब इसके साथ दो लोगो आता है, जिस कलर का आप मैकबुक लेते हो उसी कलर का आपको लोगो मिल जाएगा। एंड ये जो पावर सॉकेट है, पावर अडाप्टर, ये भी थोड़ा सा छोटा कर दिया है, पहले थोड़ा बड़ा आता था, हैवी आता था, एंड इसमें भी टाइप सी है। एंड इधर पे ये जो चार्जिंग यूनिट है इसका कुछ इस तरह का है, एंड इसमें थोड़ा सा यहाँ पे लाइट भी जलता है। कैसा लग रहा लैपटॉप? अच्छा लग रहा, चालू हो गया। ओ यार ब्राइटनेस थोड़ा कम आ रहा है, तो कुछ इस तरह का है। इसी नोट पे अब वीडियो को एंड करते हैं। मम्मी भी देख लिए, मम्मी फुल सपोर्ट कर रही है, तो मेरे को लग रहा है कि ठीक है। अब थोड़ा दाम वाम का इश्यू रहेगा, वो तो रहता ही है जनरली, तो ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कर दो, एंड शेयर करना, एंड सब्सक्राइब जरूर से करना। तब तक के लिए राइड हार्ड लिव फ्री, बाय बाय।